हेलो फ्रेंड्स, दीपावली के दो दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस पर्व के नाम से ही इसके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन कुछ चीजों पर खर्चा करने पर घर में बरकत होती है। यहाँ तक कि अगर कोई गरीब इस दिन घर में सोना या चांदी का एक छोटा टुकड़ा भी ले आता है तो उसकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, धनतेरस की दस्तक के साथ ही दिवाली के त्योहार के आने का एहसास होने लगता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के शुभ दिन पर सोना चांदी और बर्तन खरीदने से पूरे साल संपन्नता बनी रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धनतेरस पर लाई हुई वो एक चीज ही इंसान को बर्बाद भी कर देता है। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस दिन कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको धनतेरस से जुड़ी कुछ स्पेशल जानकारी बताऊं, अगर आपने हमारा चैनल कुंडली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स आसानी से मिल सकें। मान्यता के मुताबिक धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही खरीद लें। और हाँ, ध्यान रखें कि घर में कोई भी बर्तन लाने से पहले पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें, क्योंकि खाली बर्तन घर में दुर्भाग्य को दस्तक देता है। स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रास के बर्तन खरीद लें। और हाँ, धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें तो भूलकर भी ना खरीदें, क्योंकि धनतेरस एक बहुत शुभ दिन माना जाता है, जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। इसके अलावा इस दिन चाकू, कैंची या किसी भी तरह का धारदार हथियार नहीं खरीदना चाहिए। तो वहीं कई लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं, लेकिन इस दिन वाहन खरीदना पूरी तरह से सही नहीं माना गया है। फिर अगर आप गाड़ी घर लाना चाहते हैं तो उसका भुगतान एक दिन पहले ही कर लें। इस शुभ दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसलिए चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। और कांच का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचें। इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं धनतेरस पर मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक धनतेरस मनाने की कथा राजा बलि और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने राजा बलि के डर से देवताओं को मुक्ति दिलवाने के लिए वामन अवतार लिया था, जिसके बाद वे यक्षस्थल पर जा पहुंचे। जैसे ही भगवान विष्णु यक्षस्थल पर पहुंचे, वहां मौजूद असुरों के गुरु शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। इसलिए उन्होंने राजा बलि से कहा कि वामन जो भी मांगे उसे ना देना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वामन के रूप में भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए तैयार हो गए। पर शुक्राचार्य ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए राजा बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य ने उनके कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर लिया। गुरु शुक्राचार्य की यह चालाकी भगवान विष्णु समझ गए, जिसके बाद उन्होंने अपने हाथों में मौजूद कुशा को कमंडल में इस तरह रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि को बलि ने दान करने का फैसला ले लिया। उस समय वामन भगवान ने एक पैर से पूरी धरती को नापा और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को नाप लिया, लेकिन तीसरा पैर रखने के लिए कुछ स्थान नहीं बचा था, जिसके बाद बलि ने वामन भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया। इस तरह से देवताओं को बलि के भय से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, इसी जीत की खुशी में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसी कुछ और मजेदार बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें पंजाब केसरी का यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी। बाय बाय फ्रेंड्स।